झारखंड से बीजेपी की सांसद अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा सीट से बतौर बीजेपी सांसद चुनकर आई हैं। वो पिछली बार मोदी की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस बार 7 महिलाओं को भी जगह मिली है। इसमें एक नाम अन्नपूर्णा देवी का भी है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में अन्नपूर्णा देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री किरेन रिजिजू। कोडरमा लोकसभा सीट पर अन्नपूर्णा देवी ने CPI-ML उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह को हराया है। अन्नपूर्णा देवी ने 3,77,014 वोटों से विनोद कुमार सिंह को मात दी है। अन्नपूर्णा देवी को इस सीट पर कुल 7,91,657 वोट हासिल हुए थे। अन्नपूर्णा देवी पहले RJD की लीडर थीं। पति रमेश यादव के निधन के बाद उन्होंने 1998 में राजनीति में प्रवेश किया। RJD के टिकट पर अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। वो पहले 5 बार विधायक रह चुकी हैं। साल 2014 में अन्नपूर्णा देवी को RJD झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें राज्य में मंत्री पद भी मिला था। साल 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने BJP का दामन थाम लिया था। इसी वक्त उन्होंने कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पिछली बार मोदी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। BJP ने उन पर फिर से भरोसा किया है और उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।